डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इफ्तिखार अहमद। आज हम डॉन का जो ओपिनियन डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है ओवरसीज वोट राइट। आज के इस ओपिनियन में हम ये डिस्कस करेंगे क्या बिरौने मुल्क पाकिस्तानियों को सुप्रीम कोर्ट वोट का हक दिलवा सकेगी, क्या नून लीग सिर्फ चंद सीट मुख्तस करके खुद को इससे महफूज कर सकती है, क्या इमरान खान पार्लियामेंट की बजाय अदालत में ओवरसीज को वोट का हक दिलवा सकेगा, और वो कौन कौन से ओवरसीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर वोट कास्ट कर सकेंगे। इन तमाम सवालात की तफसीलात इसमें जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द टॉपिक ऑफ आई वोटिंग फॉर ओवरसीज पाकिस्तान हैज बिकम अ हॉट बटन इशू, और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोट का इशू एक अहम टॉपिक बनता जा रहा है। एंड वाई नॉट, और क्यों नहीं, आफ्टर ऑल द राइट ऑफ फ्रेंचाइज इज इंटेग्रल टू अ डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट मस्ट डू ऑल दे कैन टू फैसिलिटेट इट फॉर देयर सिटीजंस वेदर दे रिसाइड विद इन द कंट्री और अब्रोड, क्योंकि जमहूरियत का हुसन ही वोट का हक है। और अगर गवर्नमेंट इन तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनके बुनियादी वोट का हक नहीं फ्राहम करेगी तो जमहूरियत का हुसन मस्त हो जाएगा, और ये किसी भी जमहूरियत के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। डेट इज अ वैलिड पॉइंट रिगार्डलेस ऑफ द पीटीआई एंथुसियाज्म फॉर आई वोटिंग फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज बीइंग बेस्ड लार्जली ऑन इट्स बिलीव इन हैविंग कंसीडरेबल सपोर्ट अमंग दैट कोहोर्ट। और इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई की हुकूमत और उनकी पार्टी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाने के लिए जो कुछ किया है वो तारीख के सुनहरे पन्नों के अंदर लिखा जाएगा, और तारीख इन्हें याद भी रखेगी कि ओवरसीज को उनके वोट का हक दिलाने के लिए पीटीआई की स्ट्रगल एक जामिया पॉलिसी थी। द पार्टी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट द रीसेंट अमेंडमेंट्स बाय द प्रेजेंट कोलिशन गवर्नमेंट टू द इलेक्शन एक्ट 2017 whereby is rolled back the PTI's own change to the law, और PTI की हुकूमत और पार्टी ने इसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है, जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरामीम की है। द लेटर इफेक्टेड थ्रू द इलेक्शन सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2021 Aside from allowing for electronic voting machine, had also provided for overseas Pakistanis to cast their vote in general elections from their country of residence. और PTI की हुकूमत इस बात को अदालत के अंदर चैलेंज कर रही है कि इत्तेहादी हुकूमत ने जो overseas पाकिस्तानियों के general election में वोट का हक था उसे second amendment एक्ट 2021 के जरिए खत्म कर दिया है। एज मैटर स्टैंड एट प्रेजेंट ओवरसीज पाकिस्तानी मस्ट कास्ट देयर वोट एट द पोलिंग स्टेशन इन पाकिस्तान असाइन टू देम एज पर देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान के अंदर उनके मुजफ्फा हलके थे उनके अंदर वोट का जो हक दिया गया था, जिसकी वजह से एक मुस्बत इंप्रेशन आ रहा था और पाकिस्तानी जो के बाहर बैठे हमारी मईशत का एक मजबूत सहारा है उन्हें वोट का हक मिलना एक अच्छा साइन था, लेकिन अब उन्हें खत्म कर दिया गया है। दस व्हेन स्पीकिंग ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी इनफ्रेंचाइजमेंट इट इज द फैसिलिटी रादर देन द राइट इटसेल्फ दैट इज अंडर डिस्कशन, और ओवरसीज को जो वोट का हक है वो एक सहूलत है या उनका राइट है, इस बात पर अभी भी डिस्कशन जारी है। हालांकि वो पाकिस्तान के लिए एक मजबूत चाइना दीवार बने हुए हैं और पाकिस्तान की मईशत के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन उनके वोट को राइट कहना या उनके वोट को सहूलत कहना उनके लिए एक चैलेंजेबल सिचुएशन है। द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर फॉर मैनी इज कम्बरसम विच मीन द शेयर ऑफ ओवरसीज बैलेट इन द वोट कास्ट इज मिनिस्क्यूल, और ओवरसीज के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो उनके मुजवजा हलके हैं उनकी तरफ से जो वोट कास्ट का हक दिया गया था जिसकी वजह से
वह अपने मखसूस बैलेट पेपर पर जाकर बैलेट बैंक पर जाकर वोट कास्ट कर सकते थे। However, if i-voting was instituted, it could potentially have a profound impact on the result at last in some constituencies. और इसमें भी कोई हकीकत की बात नहीं है कि ओवरसीज के वोट से पाकिस्तान के अंदर कोई तब्दीली आएगी, लेकिन ओवरसीज अगर अपना वोट कास्ट कर सकेंगे तो वो मुख्तलिफ हलकों के अंदर अपनी नुमाइंदगी कर सकेंगे, जिसकी वजह से वो उन लोगों को आगे लेके आएंगे जो उनके लिए इंतहाई आसान प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। That is why, although the Elections Act 2017 clearly defined the eligibility criteria for who can vote, which include Pakistanis living abroad, temporary and dual citizens, but exclude those who have given up their Pakistan citizenship, that to have become a polarizing issue. और Election Act 2017 के मुताबिक सिर्फ वही ओवरसीज वोट कास्ट कर सकेंगे जो यहाँ जो वहां पर या तो आर्थिक रहायश इख्तियार किए हुए हैं या उन्हें डुअल सिटीजनशिप मिली हुई है, लेकिन वो पाकिस्तानी वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की सिटीजनशिप को खत्म कर दिया है। पाकिस्तान की शहरियत खत्म करने वाले को वोट का हक नहीं दिया गया, लेकिन ये अब पोलराइजिंग इशू बनाया जा रहा है कि उन्हें क्यों नहीं वोट का हक दिया गया जबकि वो तो अपनी शहरियत खत्म कर चुके हैं। देयर हैव बीन सम सजेशन रिसेंटली अबाउट सेटिंग असाइड रिवर्स सीट फॉर ओवरसीज पाकिस्तान इन पार्लियामेंट, विच कुड बी अ वायबल ऑप्शन। और अब मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से ये बात सामने आई है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कुछ सीट्स मुख्तस कर दी जाएंगी जिन पर वो अपना वोट कास्ट करेंगे और उन्हीं मुख्तस सीट की वजह से वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करेंगे। Clearly, there is room to revisit various aspects of overseas Pakistanis' right of franchise, but Parliament is the correct forum of this. It is for the legislators and not the court to decide on a reasonable time frame and a prudent course of action. और इसमें अभी भी और बहस की गुंजाइश है कि ओवरसीज पाकिस्तान जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि हमारी मईशत का एक मजबूत सहारा है उनको वोट का हक दिया जाए, लेकिन इस पर बहस हो सकती है कि उनके लिए सीट मुक्तस की जाए या उनके मुजवजा हलकों में उन्हें वोट डालने की इजाजत दी जाए, लेकिन इसका बेहतरीन प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट है और अदालत नहीं। अगर पार्लियामेंट के अंदर इस बहस को किया जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद और कारामद होगा। Aside from legislative consideration, the need to ensure secrecy of the ballot is paramount. और जो बैलेट पेपर है उनकी हिफाजत सबसे ज्यादा मेन इशू है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हर इलेक्शन में एक कंट्राडिक्शन का माहौल रहता है कि बैलेट पेपर या तो चोरी हो जाता है या गायब हो जाता है। एनीथिंग लेस वुड प्रोवाइड येट अनदर रीजन फॉर द इलेक्शन रिजल्ट टू बी डिस्प्यूटेड एंड जनरेट कंट्रोवर्सी। और बैलेट पेपर की बाकायदा हिफाजत ना करने की वजह से पाकिस्तान के अंदर हर इलेक्शन कंट्रावर्शियल हो जाता है और अब मौजूदा कोलेशन गवर्नमेंट को वो तमाम पॉलिसी बनानी चाहिए जिसकी वजह से कोई भी पार्टी उसके खिलाफ ना जाए और उस इलेक्शन के रूल को फॉलो करे।